नमस्ते, मैं आप सबका स्वागत करती हूँ अपने चैनल कुकिंग विद किरण में। आज हम छोले बनाने जा रहे हैं। सबसे पहले हम छोले उबालेंगे। उसके लिए हम एक कुकर में छोले डालकर उसमें पानी इतना डालेंगे कि छोले पूरी तरह से डूब जाएं। फिर हम उसमें 1/2 टेबल स्पून नमक, 3/4 टीस्पून हल्दी पाउडर और 1 टीस्पून तेल डालेंगे। छोले उबालने के लिए हम हाई फ्लेम पर कुकर गैस पर डालकर 2 सीटी आने का वेट करेंगे। 2 सीटी लगने के बाद गैस का फ्लेम लो कर देंगे और 5 मिनट बाद गैस बंद कर लेंगे। कुकर तभी खोलिए जब पूरी तरह से प्रेशर रिलीज हो जाए। अब हम 6-7 मीडियम साइज़ प्याज कटा हुआ, 4-5 मिर्ची स्लिट की हुई, 2 मीडियम साइज़ टमाटर कटा हुआ और 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ले लेंगे। अब हम गैस ऑन करके कुकर में 5 टेबलस्पून तेल डालेंगे। जब तेल गर्म हो जाए तब फ़ौरन डालेंगे। फ़ौरन के लिए 2 तेज़पत्ता, 1 सूखी लाल मिर्च, 1 बड़ी इलायची, 2 दालचीनी का टुकड़ा, 1 टेबलस्पून जीरा और 4 काली मिर्च डाल देंगे। फ़ौरन डालने के कुछ समय बाद हम उसमें कटा हुआ प्याज डालेंगे। प्याज के साथ ही स्लिट की हुई मिर्च डाल देंगे। फिर उसमें 1/2 टेबल स्पून नमक डालेंगे ताकि प्याज जल्दी से गल जाए। अब कुकर हाई फ्लेम पर 4 सीटी आने का वेट करेंगे। जब 4 सीटी लग जाए तब कुकर खोल लेंगे। अब हम इसमें 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट और कटा हुआ टमाटर डालकर सब कुछ मिक्स कर लेंगे। अब स्वाद अनुसार नमक डालेंगे क्योंकि छोले उबालने वक्त और प्याज गलाने के लिए भी हमने नमक ऐड किया था। अब नमक के बाद इसमें हम मसाले ऐड करेंगे। मसाले में 2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 2 टीस्पून मिर्च पाउडर, 1.5 टीस्पून गरम मसाला, 2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1.5 टीस्पून छोले मसाले डाल देंगे। अब 1/2 ग्लास पानी डालकर सब मसालों को लो फ्लेम पर 4 से 5 मिनट भूनेंगे।
मसालों को भूनने के बाद उसमें उबले हुए छोले डालकर 4 से 5 मिनट सबको साथ में हाई फ्लेम पर भून लें। छोले उबालते समय जो पानी यूज़ किया था उसको भी छोलों के साथ ही डालें। बीच बीच में छोले को चलाते रहें। अब अपने अनुसार ग्रेवी जितना आप रखना चाहें उतना पानी डाल लीजिए। यहाँ मैंने पहले 1/2 ग्लास पानी डाला है। यहाँ मुझे पानी कम लगा इसीलिए मैंने 1/2 ग्लास पानी और ऐड कर दिया। अब हम फाइनली कुकर को सेट कर देंगे। गैस की फ्लेम हाई रहेगी। यहाँ मैंने कुकर में 4 से 5 सीटी लगाई है क्योंकि उबालते वक्त मेरे छोले इतने नहीं गले थे। अगर उबालते समय आपके छोले अच्छी तरह से गल जाएं, तो आप 1 से 2 सीटी में ही गैस बंद कर सकते हैं। कुकर तभी खोलें जब प्रेशर अच्छी तरह से रिलीज़ हो जाए। फाइनली हमारे छोले तैयार हो गए हैं। अब हम इसे धनिया पत्ता से गार्निश कर देंगे। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही इस वीडियो को शेयर और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।